नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ पे हम सीखेंगे पावर बीआई के बारे में। ऐसे हमारी एडवांस एक्सेल वीवीएम आपको की भी ट्रेनिंग होती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में जाके देखें, जहाँ पे आपको एक्सेल और वीवीएम आपको से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। और आप हमारे साथ लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं iptindia.com से। तो चलिए हम बात करते हैं पावर बीआई। बीआई का मतलब होता है बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंट इसका हुआ तो मतलब आप अपने ऑफिस में बिना किसी आईटी सपोर्ट या बिना किसी डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के आप अपने लिए एक पावरफुल, मोर इंटरेक्टिव और यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड बना सकते हैं, वो भी कम से कम टाइम यूज किए हुए। जी हाँ, बीआई का मतलब होता है बिजनेस इंटेलिजेंस। और इस सॉफ्टवेयर के मदद से आप क्या तैयार करेंगे? डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स, वो भी कम समय में। किस तरह के रिपोर्ट? पावरफुल, मोर इंटरेक्टिव या अट्रैक्टिव कर लीजिए, और साथ में यूजर फ्रेंडली, कोई भी इसको इजीली से अपने लिए इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। तो पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का है और माइक्रोसॉफ्ट इसको बहुत ही काम कर रहा है। हालांकि एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन में अभी तक एक्सेल, वीवीए, एक्सेस और सीक्वल का अच्छा खासा यूज था और इसी से हमारा काम चल रहा था। लेकिन जहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का भी पार्ट हो रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हमें क्लाउड रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लाउड रिपोर्टिंग जो आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको टैबलू और उसके लिए आपको पावर बीआई का इस्तेमाल करना पड़ेगा इन फ्यूचर में। इंडिया में अभी ये धीरे धीरे पैर पसार रहा है, बट बाकी मार्केट्स में आप बहुत अच्छा तरह यूज होगा। इंडिया में भी एक्सेल ही प्रेफर्ड है और एक्सेल तो सब दिन रहेगा ही रहेगा, बट पावर बीआई और टैबलू भी अपना जगह बना रहा है और माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए बहुत ही काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि पावर बीआई आखिर होता, दिखता कैसा है। तो आपके सामने जो आइकन दिख रहा है, ये पावर बीआई का आइकन है। पावर बीआई कह सकते हैं एडवांस वर्जन ऑफ द पावर पिवट एंड पावर क्यूरी एंड पिवट टेबल बोल सकते हैं। पिवट टेबल का ही एडवांस वर्जन है। जो पिवट टेबल लगाते हैं उनको पावर बीआई समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जो मेरी क्लासेस में पावर पिवट और पावर क्यूरी पढ़ चुके हैं तो वो इसको और ईजिली तरीके से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि पावर बीआई के सॉफ्टवेयर हम हासिल कहाँ से करेंगे। उसके लिए आप गूगल पे जाएं और पावर बीआई को सर्च करें। माइक्रोसॉफ्ट की यूआरएल वाला यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ powerbi.microsoft.com। इस साइट पे आप क्लिक करें, इस साइट आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे पावर बीआई के बहुत सारे फीचर्स के बारे में दिया हुआ है, जो नीचे आप देख रहे हैं। तो इसको भी एक बार समझ लेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ, किस तरह की रिपोर्ट और किस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड फ्री पे क्लिक करेंगे तो इसका डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे ही आप डेस्कटॉप वर्जन ओपन करेंगे, एक मैं डेस्कटॉप वर्जन ओपन करता हूँ, तो आपके सामने स्क्रीन दिखेगा जहाँ पे यहाँ पे आपको साइन इन ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। तो साइन इन ट्राई कब करेंगे? देखिए, इसको आपने गेट डेटा क्लिक करके अपने सिस्टम पे भी स्टोर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए साइन इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बट आप जो रिपोर्ट बनाएंगे, उस रिपोर्ट को एक तो एक्सेल के जरिए आप मेल करके शेयर कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि पावर बीआई में बहुत सारे ऐसे टूल्स और इस तरह के ग्राफ्स हैं जो एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। जैसे आप एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट करोगे, वैसे ही वो अपना हर चीज चेंज कर लेता है। तो हमें जरूरत पड़ती है वेब पोर्टल के जरिए, मतलब एक एफटीपी आपको मिलता है, उस एफटीपी के जरिए, एक पोर्टल के जरिए हम रिपोर्ट को शेयर करते हैं। तो रिपोर्ट और पोर्टल आपको चाहिए,
तो उसके लिए आपको साइन इन करके परचेज करना पड़ेगा। अगर आप ट्रायल रूप में यूज करना चाहते हो तो ट्रायल फ्री करके आपके लिए एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। आई थिंक 3 महीने के लिए फ्री है, उसके बाद फिर आपको और 3 महीना ग्रेसिंग पीरियड मिलेगा। 180 दिन के बाद फिर आपको इस परचेज करना पड़ेगा, और इसकी परचेजिंग जो आई थिंक मंथली होता है। लेकिन फिलहाल आप गेट डेटा पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने विंडोज दिख जाएगा। इसमें डेटा आप एक्सेल, एक्सेस, एक्सएमएल, हर तरह से हर तरह के फॉर्मेट को इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी सॉल्यूशन के लिए क्या सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो सिस्टम के अंदर में आपको सबसे पहला होना चाहिए i3 प्रोसेसर विथ 1 GB रैम। ध्यान रखिएगा कि अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अगर स्लो हुई, कम हुआ, तो ये कम बहुत ही स्लोली परफॉर्म करेगा और काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में टाइम लेगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप मेथड पे काम करता है। इसमें कई सारे डेटा को हम इकट्ठा वर्क कर लेते हैं। तो इसी तरह से मेरे साथ आप बने रहें मेरे चैनल पे और मेरे साथ पावर वीआई क्लिक कर पावर वीआई सीखते रहें, और पावर वीआई की नेक्स्ट वीडियोस के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और हम कुछ समय बाद हम पावर वीआई की अगली वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा पावर वीआई, एक्सेल, एक्सेस, सीक्वल, टैबलो वगैरह सीखना चाहते हैं मेरे साथ तो सीख सकते हैं लाइव इंटरेक्टिव 1-to-1 या फिर हमारी वीडियोज डीवीडी के साथ। तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके मेरे DVD को परचेज कर सकते हैं या फिर मेरे साथ लाइव क्लास ले सकते हैं। इन सबों के लिए मेरी वेबसाइट पे जाइए और मेरी स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे क्लिक करके उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।